नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अध्यापकों और बाबुओं की आई एक बम्पर भर्ती की। सुबह से ये जो नोटिस है वो लगातार वायरल हो रही है, बहुत सारे विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे और इसके संबंध में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन उसके बारे में मैंने जो है चयन बोर्ड और कई अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। और मैंने उसी समय आपको बताया था कि ये जो नोटिस है वो फर्जी लग रही है और जो वेबसाइट है वो भी फर्जी लग रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो स्कूली शिक्षा के जो निदेशक हैं उनकी तरफ से एक जो पत्र है वो जारी किया गया है और उन्होंने बताया है कि इस तरीके का कोई बोर्ड उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये देखिए, शिक्षा निदेशक कार्यालय, शिक्षा निदेशक माध्यमिक जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज हैं, और ये डॉक्टर महेंद्र देव अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, इनकी तरफ से ये पत्र जारी किया गया है और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के प्रयागराज संस्करण के 11 सितंबर 2021 दिन शनिवार और अन्य दैनिक समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के फर्जी विज्ञापन संख्या दिनांक इतना इतना को कतिपय पदों पर नियुक्ति हेतु। अब समस्या ये हो रही थी कि आखिरकार ये जो नोटिस है ये भी सही है कि नहीं सही है। इसके लिए मैंने अभी फ़ोन मिलाया था, डॉक्टर महेंद्र देव अपर शिक्षा निदेशक हैं उत्तर प्रदेश के, इनसे मेरी बात हुई है कि ये जो नोटिस आपने जारी की है क्या ये आपने ही जारी की है, आप के विभाग ने जारी की है या नहीं जारी की है। तो इन्होंने अभी मुझको बताया है, तो इनसे मेरी बात हुई है और ये श्री महेंद्र देव जी जो अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक हैं इनके नंबर पर मेरी बात हुई और इन्होंने बताया है कि वो जो स्कूली शिक्षा का जो बोर्ड जो लिखा हुआ जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से फर्जी है। उत्तर प्रदेश में इस तरीके का किसी भी बोर्ड, किसी भी आयोग का कोई भी जो है अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है और जो नोटिस जारी की गई है वो उन्हीं के विभाग द्वारा पुष्टि की गई है कि ये जो विज्ञापन है वो फर्जी है, कोई भी विद्यार्थी इस पर आवेदन ना करें, चाहे वो दैनिक समाचार पत्र हो, चाहे वो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर आया हुआ विज्ञापन हो। और जो सरकारी वेबसाइट है उन्हीं की आप लोग बात माना करो। हालांकि मैंने आप लोगों को सुबह ही बताया था कि उस विज्ञापन में बहुत सारी कमियां हैं, हिंदी में लिखा है आयोग, इंग्लिश में लिखा है बोर्ड, और जबकि आयोग की जगह कमीशन होना चाहिए। इसी तरीके से जो रिजर्वेशन के लिए वहाँ पर दिया हुआ है उसमें EWS का रिजर्वेशन नहीं था, चयन प्रक्रिया अधूरी थी, नोटिफिकेशन अधूरा था। और जो स्कूल शिक्षा सिलेक्शन बोर्ड जो है उसके बारे में भी ये नहीं बताया गया था कि इसकी स्थापना कब हुई, कब से कार्य कर रहा है, कुछ भी नहीं था। तो कुल मिलाकर के अब निश्चिंत हो जाइए, सरकारी पुष्टि हो चुकी है कि ये पूरी तरीके से फर्जी विज्ञापन है। ये हो गया आज का वीडियो और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें।